हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं लुलू। आप देख रहे हैं मेरे टेक्निकल चैनल पंडा ट्रेमिकर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं ऑफसाइड के बारे में। ऑफसाइड तो तरह तरह के होते हैं, लेकिन हम एक ऑफसाइड का मेजरमेंट के साथ और थियोरी के साथ प्रैक्टिकल वीडियो प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाते सीधे चलते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, हमारे साथी वाले हैं विकास पढ़ियारी। इनको क्या डाउट है, इनके हिसाब से हम आज समझाएंगे इनको, और उसी से मालूम चलेगा आप लोगों को कि कैसे ऑफसाइड को पूरा कंप्लीट मतलब आसान तरीके से बना सकते हैं। तो सीधे चलते हैं इनको, इससे इनका डाउट क्या है। तो विकास, आप कुछ हमारे दर्शकों को या हमारे दोस्तों को बता सकते हैं आपको क्या डाउट है। अभी ऑफसाइड के बारे में हम कुछ बोलने वाले हैं, या आपको क्या डाउट है। तो विकास, आपको क्या डाउट है थोड़ा बताएंगे। मेरे को 100 का रेशियो है। हाँ, रेशियो हमारा जो हाइट होता है ना, हाइट होने के बाद वो हाइट हमको मालूम होना चाहिए। हाँ, तो मेजरमेंट तो हम ये वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कुछ कितने बाई कितने का बनाएंगे, तो आपके हिसाब से बनाएंगे। तो बोलिए, 100 बाई का 50 है ना। हाँ, 100 बाई 50। तो 100 का या 50 का बनाएंगे। 100 का बनाएंगे। हाँ, 100 का कितना हाइट हमको होना चाहिए। हमको 100 का जो 100 होता है ना, देखिए एक तो मैं क्या समझा देता हूँ आपको। एक नीचे वाला इधर ही है, ऊपर हाँ। वाला रेशियो हाँ। इधर ही है, हमको ये मिलाना है। हाँ, ओके हाँ। यही है ना। हाँ, तो इसी हिसाब से हम बनाएंगे फ्रेंड्स। तो वही हिसाब से देखिए, हम तो बना देते हैं पहले, तो आर्क कर लेते हैं, आर्क के हिसाब से बनाएंगे। तो जा सकते थे तो दोस्तों, हमारा ट्रे जो है नीचे वाला इधर तक आगे है, और इधर तक ये आगे है, और एक सपोर्ट हमको इधर भी है। तो इधर एक सपोर्ट पहले से है। ओके, ये सपोर्ट को दे के हमारा ऑफसाइड इधर आगे आएगा, इधर तक यहाँ से ऊपर उठने वाला है, ये वाला इधर से नीचे ले आने वाला है। तो इसका मेजरमेंट हम कैसे लेते हैं ये पहले आपको समझा देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये ऊपर में है ना, ऊपर से हम क्या करते हैं, इसका मेजरमेंट ये नीचे है, ये ऊपर है, तो यहाँ से हम प्लॉम एक डालते हैं। प्लॉम डालने का बाद हम ये स्ट्रेट में मेजरमेंट करते हैं यहाँ पर कितना होता है, ना कि ऐसा हम नहीं करते हैं, ऐसा हम मेजरमेंट नहीं करते। ऐसा करेंगे तो हमको जो भी कटिंग कितना एक तो हो जाएगा, आई कट करके ऐसे कर लेते हैं, लेकिन दूसरा वाला गैप रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसा नहीं लेना है हमको, स्ट्रेट लेना है। एक प्लॉम डाल दिया इधर, इधर प्लॉम डाल के यहाँ का मेजरमेंट कुछ भी, तो यहाँ का मेजरमेंट पकड़ लीजिए 500 mm है। ओके, mm। और हाइट कैसे लेंगे फ्रेंड्स, हम कैसा लेता है हम आपको समझा देते हैं। हम तो नीचे फ्लोर होता है फ्रेंड्स, कोई भी जगह आपको सेम हो जाएगा। जैसे ये ट्रे का बॉटम से ले लिया 1200। ओके, और यहां से लिया 1500 से 1200 माइनस करेगा तो हमको बचते और 300। तो इसका हाइट निकल गया फ्रेंड्स 300 बाई 500। नहीं, और एक फ्रेंड्स, ये सपोर्ट जितना होता है उससे 100 mm हमको माइनस करना है, क्योंकि हमको सपोर्ट के थोड़ा आगे जाने का बाद ये अपसाइड होना चाहिए, और ये सपोर्ट से थोड़ा ये साइड को आने के बाद डाउन होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स,
तो वही हिसाब से हम करेंगे, तो ये 500 समझ लीजिए, हम 500 का हिसाब दे रहे हैं, वही हिसाब से आप आपके हिसाब से बनाएंगे। ये फॉर्मूला से आप कुछ भी बना सकते फ्रेंड्स, तो इसमें डाउट कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा सपोर्ट से सपोर्ट 600 mm होता है, लेकिन हम 600 mm का करेंगे तो ये कॉर्नर इधर हमारा सपोर्ट के ऊपर आ जाएगा कुछ इस तरह से। ओके, और यहाँ पर भी ऐसा आएगा तो हमको सपोर्ट लगाने के लिए भी दिक्कत होगा, इसीलिए हम क्या करेंगे उससे थोड़ा छोटा कर देंगे, छोटा करके बनाएंगे। तो ये 600 mm है तो हम 500 का इसीलिए बनाएंगे। हम 300x500 का एक फॉर्मूला निकलने के लिए हमको पहले एक तो लाइन चाहिए, नहीं तो कोई भी स्क्वायर वाला जगह है तो आपको साइड से जरूर मिल जाएगा। जैसे कि हमारा नीचे वाला टाइप भी स्क्वायर आता है, वो राइट एंगल में आता है, वो उसमें बना सकते हैं। हम तो किसी में भी एसी डॉक्टर प्लेट वगैरह किसी में भी बनाते हैं, लेकिन वही हिसाब से आप थोड़ा आइडिया लगाइए। ओके, तो मैं यहाँ पर कैसे बनाएगा तो ड्राइंग में आपको समझाने के लिए हम क्या किया, एक लाइन की। ओके फ्रेंड्स, ये लाइन से हमको राइट निकालने के लिए, राइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल राइट एंगल है तो वही हिसाब से हम एक राइट एंगल में नीचे का लाइन क्लियर कर देंगे, वही हिसाब से हम ऊपर का एक लाइन ले ले। तो ये राइट में आ गया, ये एंगल भी 90 degree हो गया। ओके, ये 90 degree हो गया तो वही हिसाब से हम क्या करेंगे, मेजरमेंट टेप में हम मेजरमेंट कर लेंगे 300x500। ओके, तो हमको लेंथ चाहिए 500, हाइट चाहिए 300, ये तो 300 होने वाला नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने ले लिया इधर 500 और ये वाला 300, तो 300 से हम क्या करेंगे, यहीं पर हमको फॉर्मूला इसका मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए और शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना, क्योंकि उसका बीच में कोई कोई इम्पोर्टेंट चीज ऐसा भी होगा जो कि पूरा वीडियो का मेन चीज वही होता है, तो आप उसको भी मिस कर सकते हैं जब छोड़ के चले जाएंगे। तो शुरू से लेके अंत तक देखना, यही मेरा रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों हम अभी क्या करेंगे, अगर हमको 50 mm का करना है तो ऐसे तो पहले एक लाइन लेंगे। देखिए इधर 300 में एक पॉइंट आया, ये जो क्रॉस आया ये वाला, और इधर 500 में जो क्रॉस आया ये वाला, इसको इसको एक स्केल या कुछ भी सेम चीज में लाइन खींचना। ये लाइन इतना बड़ा खींचना, अगर हम 50 mm का कर रहे हैं तो 50 mm उसके लिए बस है, 100 mm तक खींचना, 500 तक भी खींचना। ये वाला को आप वही हिसाब से खींचिएगा, लाइन को लगाइएगा, मैं इसे आपके जानकारी के लिए पूरा लगा देता हूँ। ओके, ये पूरा, ये हमको इतना जरूरी नहीं है, लेकिन लाइन खींच हमको चाहिए 50 mm का, क्योंकि विकास को चाहिए था 50 का, वही हिसाब से हम आपको भी समझा लेंगे। यहाँ पर हम ले लिए 50 mm, देखिए ये पॉइंट पकड़ा, यहाँ से 50 mm हम लिया, क्योंकि हमको 50 mm का ऑफसाइड ही बनाना है। तो
यहाँ ऊपर ले लिया 50 mm, ये ले लिया 50 mm, क्योंकि हमको ऑफसाइड बनाना है 50 mm का, तो नीचे भी सेम उसी तरह से ले लेंगे। ये भी mm। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि दोस्तों यहां से यहां तक कितना mm होता है। तो हम थोड़ा ऐसे मोटा वाला मार्कर है, थोड़ा सा 1-2 mm इधर उधर हो सकता है, तो पतला वाला मार्कर में हम इसका फॉर्मूला एक्चुअली बनाएंगे। हमको 26-27 mm आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, ये जो देखिए फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला में आप कीजिए और मोटा वाला मार्कर में मत कीजिए, फॉर्मूला में आप कीजिए, आप खुद करिए, खुद के हिसाब से करिए। ठीक है, मोटा वाला मार्कर है हम, हमारा ये चीज सब राइट एंगल में है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आप खुद करिए, खुद का जितना मेजरमेंट निकलता है वो हिसाब से आप करिए। ओके, ये हमको 27 mm निकला, 27 mm। ओके, बाद में दूसरा और एक बारी आता है, ये 27 mm ओनली भी कटिंग का। ओके फ्रेंड्स, तो 27 mm है तो ये ओनली भी कटिंग का, ये वाला को समझ लीजिए एक भी, यहां से यहां तक एक भी, ये भी कटिंग, इसको हाफ करके ये साइड का आधा वो साइड का आधा कर लेंगे। और एक बात, यहां से ये जो पॉइंट से यहाँ तक कितना mm होता है वो भी लेना है आपको। हम थोड़ा सा मेजरमेंट कर लेते हैं, मेजरमेंट दिखाओ, तो देख सकते हैं 100 mm हम यहाँ से छोड़ दिया, छोड़ने के बाद हमको 690 होता है, मतलब 590 mm। इटा देखिए दरकार नहीं। तो दोस्तों ये वाला मेजरमेंट होता है 590 mm। तो ये वाला 27 mm बी कटिंग, 27 mm, यही दो से हमारा आगे वाला काम चलेगा। तो दोस्तों क्या करेंगे हम, पहले तो एक मुंडी जो है यहाँ से यहाँ तक हमको मेजरमेंट करना है। ये इनके से हो गया 200 mm, के बाद हमको डाउन करना है या अप भी करना है, तो हम क्या करेंगे 200 के बाद डाउन ही करेंगे, डाउन करेंगे। तो हम पहले ले लेंगे यहाँ से, तो दोस्तों थोड़ा समझिए अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ से हमारा ट्रे इधर तक आके पहुँचा है, यहाँ से हम 200 mm लेने का बाद यहाँ पर क्या होगा, इधर आया इधर जो ऑफसाइड होगा, इधर जो ऑफसाइड होगा ये एक तो ऑफसाइड होगा, मतलब एक भी कट इधर नीचे तरफ हम करने वाले हैं। तो पहले हम 200 यहाँ पर ले लिया,
हमको निकला था कितना 27 mm। तो दोस्तों हमको 27 mm को अभी डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करेगा तो 13.5 mm होता है, तो 27 mm को हम डिवाइड कर लेंगे। ये राइट एंगल में आपको खींचना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बी कट उल्टा कर लेंगे। तो इसको कर लेने का बाद अभी बारी आते हैं, हमको लेना है इधर 590 mm। ये 27 mm जहां खत्म होता है यहां से हम लेंगे 590 mm। तो दोस्तों यहां से हमारा टेप अभी ये बोर्ड के अंदर नहीं आ रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि इसको यहां पर बना लेंगे, लेकिन मेजरमेंट वही करना है। दोस्तों ये भी इधर से हम ले लिया, दोस्तों रखे आपको इसका 27 mm ये टोटल, ओके 13.5 27 mm। उसके बाद क्या करेंगे, आपको 590 mm लेना है। किधर तक लेना है, इसका सेंटर तक, ओके ना कि इधर तक। ये हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा आपका ऑप्शन, जो कि हम कितना हम 300 mm हाइट करना है, वो 300 mm नहीं जाएगा, उससे छोटा हो जाएगा। इधर तक लेंगे तो बड़ा हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, इसका एंडिंग जिधर आता है यहाँ से लेके इसका सेंटर तक 590 mm लेना है। ये 590 mm, ओके। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको उल्टा करके भी कट कर देंगे, ओके। ये हो गया, ऊपर साइड से हम स्टार्ट किया, नीचे को ये कटिंग कर देगा तो ये पूरा देगा, तो ये नीचे आ गया। नीचे आने के बाद हमारा 590 mm के बाद फिर भी कट ऑपोजिट साइड करना है, इसको हटा देना है। हटा देने के बाद ये भी ऊपर उठ जाएगा। वही हिसाब से आप ऑफ साइड को पूरा कर सकते हैं। तो हम इसका प्रैक्टिकल वीडियो अभी दिखाने वाले हैं, तो चलिए प्रैक्टिकल के ऊपर। तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी प्रैक्टिकल के लिए इसमें मेजरमेंट लेंगे, वो जो समझाने के लिए सही था, इसमें थोड़ा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि प्रैक्टिकल वीडियो मैं बहुत सारे बना चुका है, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा डेवलप नहीं करता है। शायद आप लोग लाइक नहीं करते या सब्सक्राइब करके नहीं रखता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम या कुछ फुल वर्क्स नहीं करते, इसीलिए वो वीडियो आगे तक नहीं जाता है। लेकिन ये सबसे क्रिटिकल काम है और ये ज़्यादातर दिक्कत आते हैं आदमी लोग को। यही वीडियो में हम आपको पूरा समझाने वाले हैं। तो ये हम पेपर ले लिया एक, ऐसे क्या किया 500 मेजरमेंट कर लिया। देखिए यहाँ से 500 हमने मेजरमेंट किया,
इधर तक 500 आता है। ओके तो दोस्तों देख सकते हैं ये 500 हमने ले लिया और यहाँ से ये 300 हाइट हमको लेना है। तो देख सकते हैं ये 300 होने वाला है। ये 300 से हम और इधर 500 बराबर दोनों साइड दिख रहा है, इधर 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 भी दिख रहा है। तो यहाँ पर हम 50 mm का लेंगे तो 50 mm का एक छोटा सा मार्किंग करेंगे, वो ज़्यादा नहीं चाहिए हमको क्योंकि इसका खाली मेजरमेंट हमको चाहिए। और ये 50 mm लेने के बाद अभी 50 mm का एग्जैक्ट मेजरमेंट कर लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं इधर हम 50 mm का मेजरमेंट कर लिया, इधर 300 से हम 250 तक 250 से 300 तक मेजरमेंट कर लिया, तो 50 mm ही होता है। तो यहाँ पर भी 50 mm हम ले लिया। लेने के बाद क्या किया, यहाँ से मेजरमेंट किया तो कितना mm होता है। तो फ्रेंड्स ये एक्चुअली 26 mm ही होता है, 26। तो कैमरा मैम को हम बोलते थोड़ा जूम करके यहाँ दिखाएंगे। बराबर तो दोस्तों देख सकते हैं ये हो गया 200 से हम पकड़े हैं, तो ये 210, 220, 225, 226 mm। तो ये 26 mm का भी कट हमको करना चाहिए और हम ये पॉइंट से वो जो 300 का निशान है यहाँ से वहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हमको ये मिलता है 585। ओके फ्रेंड्स तो एग्जैक्ट मेजरमेंट 585 होते हैं, 585। ओके तो हमको भी कट तो ऐसा है, हम ऐसा होने के बाद ऐसा है। ओके ये 26 mm हाफ को 26 mm, ये 13, ये 13 और ये वाला होता है 585 mm। ओके फ्रेंड्स तो यही हिसाब से हम अभी उसको करेंगे। तो इसको हटा देते हैं थोड़ा इंसर्ट लेके, ये खाली मेजरमेंट। ओके 200 के बाद 200 प्लस 585 mm ऐसे होके हमको 785 हो जाता है। हम 1000 तक होगा तो हो जाएगा, लेकिन हम 2000 mm का एक 2 मीटर का एक ले लिया है, इसी में बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स तो दोस्तों पहले क्या करेंगे, हम 200 mm का ले लिया, उसके बाद क्या किया हम 13 mm लेगा। ओके उसके बाद देखिए दोस्तों 200 लिया, उसके बाद हम 13 mm लिया, 13 के बाद 26 mm लिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया हमारा दो बी कट का मार्किंग, ये नीचे तरफ हमारा बेंड होगा तो हम क्या करेंगे नीचे तरफ से लाइन लगा लेंगे। ओके और ये वाला सेंटर होता है, ये इसको ऊपर उठा लेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों नीचे से कटिंग करना है तो हमको क्या करना, 200 यहाँ तक लेना है ना कि सेंटर तक, सेंटर तक नहीं लेना है, ये इधर तक लेना है। उसके बाद यहाँ से इधर आगे को 585 लेंगे। ओके 585 लेंगे तो हम 685 से लेगा तो बराबर आएगा। देखिए दोस्तों ये 600 है और 685 यहाँ से लिया हमने। ओके ये 200 तक गया, ये 13 mm, ये वाला 13 mm, ये वाला 13 mm, 26 mm के बाद हमने यहाँ पर 585 लेना है। ओके 685 है इधर
तो बुला बुला इधर तक का हमको 100 mm छोड़ के इधर कर लेना है। ओके ये 100 mm देख सकते हैं, इधर 100 mm हम छोड़ दें क्योंकि एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको साइड करेंगे, वो साइड से लिया ये सेंटर करेंगे। ओके 26 mm जो लेना है ये हमको इसको सेंटर बना लेना है। तो 13 mm में हम रख लिया इसको, ये साइड का और ये साइड का उठा लिया। तो इसको क्या करेंगे, हमको ऊपर साइड उठा लेना है। ऊपर साइड उठाने के लिए हम तो एक साइड में कर लिया, इधर मार्किंग, ये साइड को उठा लिया, सारे को तीनों को लेना है, तीनों को नहीं सेंटर का नहीं लेना है, सेंटर का खाली नीचे रहना है। अभी नीचे साइड का ये मार्किंग खलास हो गया, हमको ऊपर साइड उठाना है। तो यही साइड पहले ऊपर उठा लेंगे। तो एक साइड साइड वाला को क्या करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर है, तो ये तीनों को हमको ऊपर उठाना है दोनों। तो ये साइड से हमको ऊपर उठा लेंगे, ये हो गया एक भी का। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वाला भी हो गया एक, और इसको भी हम ऊपर को उठाना है। इसको क्या करना है, सेंटर वाले को नीचे लेना है, मतलब ये ऊपर ले लेना है, यहाँ से लेके इधर देख सकते हैं, ये दोनों को एक लाइन लगा देना है। तो इसी तरह से हमको वो साइड भी कर लेना है। दोस्तों इसी प्रकार से हमको दोनों साइड मार्किंग कर दिया है हमने, देख सकते हैं ये भी और ये भी। अभी कटिंग का बारी आता है, अभी इसको कट लगाना है, बाद में आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इसी तरह से हमने क्या किया, ये नीचे को लेगा बोल के नीचे साइड का कटिंग किया है, ये दोनों मिलके 26 mm और इसका सेंटर होता है 13 mm। ठीक यहाँ से हमने इसका सेंटर देखिए दोस्तों, यहाँ से सेंटर अलग होता है, ये लास्ट अलग होता है, का सेंटर हमने ले लिया 585 mm। उसके बाद ये साइड को 13 mm, ये साइड को 13 mm लिया और उसको भी मार्किंग ऊपर की तरफ कर लिया। उसके बाद रिजल्ट अभी आपके सामने में आने वाला है। ये टेबल है हमारे पास सेम प्लेस है और हम 300 का कुछ चीज लेके आएंगे वही सब से, और टांका इसमें लगाएंगे, टांका आपको समझाने के लिए लगाएंगे, नहीं तो ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये पीस हम आपके लिए वेस्ट किया, ना जाने हमारे सार हमको क्या बोलेंगे।
तो देख सकते हैं हमारा फ्लैट ये 300 तक आ गया है। हम इसको अभी टांका लगा लेंगे, बाद में देखेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा ये 300 हो गया है। 2-3 mm इधर उधर हो सकता है दोस्तों, और ये 500 हमारा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ राइट एंगल रखेंगे तो मालूम चलेगा, तो वही हिसाब से आप ही बनाएंगे तो आपका भी ये क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारा काम कंप्लीट हुआ। अभी विकास परियर इधर ही है, तो इनका डाउट अभी क्लियर होने वाला है। और कितना है तो दोस्तों 297, मतलब 2-3 mm का फर्क हुआ है। 2-3 mm का फर्क विकास होगा तो कोई दिक्कत है तुम्हें? तो फाइव हंड्रेड ये भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि हम हाथ से बनाते हैं। और इसको भी क्लियर करने के लिए थोड़ा सा मतलब गैप रख के भी आप टांका मार सकते हैं, नहीं तो और थोड़ा ग्राइंडिंग मारना चाहिए तो वो एक्यूरेट आ जाएगा। थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत लगेगा, लेकिन इसी फार्मूला से आप कई तरह के ऑफसेट बना सकते हैं, हर तरह के। ये 50 बोल के नहीं, 100 का भी बना सकते हैं और 500 का भी बना सकते हैं, कुछ भी। ओके, इसी फार्मूला से अभी का तो तुम भी बना सकते हैं ना। ये जो 50 mm हमने लिया उसको 100 mm करेगा तो इसका भी कट मिल जाएगा, और डिस्टेंस जो है वो भी मेजरमेंट मिल जाएगा। इसी तरह से आपको दोस्तों अच्छी तरह से ऑफसाइड को भी बना सकते हैं। कोई कोई आदमी तो खाली बेड ज़्यादा देखता है, लेकिन मेरे को लगता है ये ऑफसाइड ही ज़्यादा क्रिटिकल है। यही फॉर्मूला से आप क्लियर कर सकते। तो आशा करते कि दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कर लेना। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुलझा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना। फिर मिलेंगे ऐसे और नए टेक्निक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा लेना चाहते हैं हम। नमस्कार।